आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आ रखी हूँ नर्सरी में आ रखी हूँ। आज मैं कोटद्वार के अपने पापा के साथ आ रखे हैं। आज हम कुछ प्लांट्स लेने आ रखे हैं। मैं सोचा मैं छोटा सा ब्लॉग बना देती हूँ कि मैं आप सभी को भी दिखा दूँगी हमारी कोटद्वार का नर्सरी। चलो फिर चलते हैं नर्सरी के अंदर। ये कैसा है? शेर की तरह एकदम, शेर पोस कछुआ। ये छोटे छोटे से हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे डेकोरेट कर रखा है। कितना प्यारा लग रहा है। वाह, कितने सारे सारे गमले यहाँ पे, तो बहुत अलग अलग टाइप के गमले। आप लोग भी देख लीजिए, मेरे को तो बहुत प्यारे यहाँ पे गमले लग रखे हैं। कितने बड़े बड़े, छोटे बड़े, हर साइज़ के। अगर आप कभी भी आओ तो आप इस वाली नर्सरी में पक्का आना। देख सकते हैं आप लोग, बहुत प्यारे लग रखे हैं यहाँ पे। कितने अलग अलग टाइप के यहाँ पे गमले फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग, ये कितने क्यूट सा है। और इसके में बड़े साइज़ में भी मिल सकता है अगर आप लोगों को यहाँ से लेना हो तो। हर साइज़ के यहाँ पे सारे गमले हैं। तो मैं पहले आप सभी को यहाँ पे अलग अलग टाइप के गमले दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ के प्लांट्स दिखाऊँगी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मेरे को एक और कछुआ दिखा है, ये रहा। पहले आप गमले देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद मैं आप सभी को प्लांट्स दिखाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ के गमले, पहले मैंने आपको बड़े साइज़ के दिखाए थे। यहाँ पे आप छोटे साइज़ के यहाँ पे देख सकते हैं, फिश के शेप का भी यहाँ पे गमला है। बहुत यूनिक गमले हैं यहाँ पे, बहुत अलग अलग शेप के, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे फ्लावर्स हैं। इस फ्लावर का नाम ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। चलो अब मैं आप सभी को और प्लांट्स भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत सारे प्लांट्स लग रखे हैं। वाव, कितने प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं यहाँ पे। तो ये वाला कितना प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के आप सभी को यहाँ पे प्लांट्स मिल सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे नर्सरी में फ्लावर है। अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्लावर है, मैं आप सभी को धीरे धीरे करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे हैं फ्लावर्स। फ्लावर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रखा है। और इसे गमला देखो कितना अलग सा, एकदम यूनिक है, एकदम एलिफेंट वाला गमला है ये। और यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्लावर्स है, देख सकते हैं आप सब भी। तो यहाँ पे सारे रेड रोज है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे रोजेस है। ये एकदम लाइट पिंक कलर का है, आप लोग देख सकते हैं। और ये थोड़ा पिंक है ये वाला, ये अभी खिल रहा है अभी। और यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर्स हैं, मैं आप सभी को धीरे धीरे करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं ये रोज़ का फ्लावर है। और यहाँ पे गाइस कितने प्यारे फ्लावर है, ये एकदम क्यूट से ये वाला आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है। और ये पिंक कलर में, लाइट पिंक है और ये थोड़ा डार्क पिंक है। अलग अलग फ्लावर्स हैं यहाँ पर। ये वाला फ्लावर्स कितना अलग सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना अलग फ्लावर है ये वाला। चलो अब मैं आपको गेंदे के फ्लावर्स दिखाती हूँ। यहाँ पे गेंदे का पूरा यहाँ पे प्लांट्स है। यहाँ पे सारे गेंदे रख रखे एक तरफ, और इधर की तरफ भी है कुछ गेंदे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे और गेंदे भी अभी हो रहे हैं। ये देख सकते हैं कितने अभी इसकी स्टार्टिंग हो रही है इन गेंदों की, उसके बाद गेंदे आपके ऐसे बन जाएंगे। ये देख सकते हैं अभी इनको शायद से अभी नए नए लगा रखे हैं, और उसके बाद रिजल्ट हो रहा है आप लोगों के सामने। और यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो बहुत सारे फ्लावर हैं, मैं आप सबको कितने दिखाऊं। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स हैं। और ये प्लांट देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, ये है मोरपंख बोलते हैं इसको। मेरे को तो उसका नाम मोरपंख पता है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसको मोरपंख के अलावा और क्या क्या प्लांट बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मोरपंख कितने अच्छे से डेकोरेट कर रखे, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
और आज मैं यहाँ गई थी तो यहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ बहुत अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्लावर्स थे, कुछ फ्लावर्स के तो मेरे को नाम भी नहीं पता थे क्योंकि कुछ ऐसे है कि हमने कभी देखे भी नहीं रहते, बट यहाँ नर्सरी में जाके मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर्स देखे और मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी नर्सरी। और ये नर्सरी बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसमें हर एक कलेक्शन के आप लोगों को प्लांट्स मिल सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के इसमें गमले मिल सकते हैं। गमले और फ्लावर का कलेक्शन मेरे को यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग वीडियो में देख ही सकते हैं कितने अलग अलग टाइप के यहाँ पर फ्लावर्स है और बहुत अच्छे केयरिंग भी कर रखी थी इनकी, पानी दे रहे थे वो लोग उनको बहुत अच्छी तरीके से, सफाई भी थी यहाँ पे। मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ की नर्सरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के यहाँ पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे, बहुत प्यारा लग रहा था यहाँ का व्यू, एकदम अच्छा लग रहा था। और यहाँ काफ़ी भीड़ भी हो रखी थी, यहाँ लोग काफ़ी ले रहे थे, कोई गमले ले रहे थे, कोई यहाँ के प्लांट्स ले रहे थे। और जो ये आप ये फ्लावर देख रहे हैं इसको बोलते हैं जैस्मिन, और ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेट हो रखा है। अब मैं आपको और प्लांट्स दिखाती हूँ कि यहाँ पे और कौन कौन से प्लांट्स हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अलग अलग है, यहाँ पे मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आप सभी को कितने दिखाऊँ कितने नहीं दिखाऊँ यहाँ पे फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन हो रखी थी यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत प्यारा लग रहा था मेरे को तो वहाँ जाके। अगर आप भी कोटद्वार के तो आप लोग भी यहाँ की नर्सरी से फ्लावर्स और प्लांट्स ले सकते हैं। ये क्या काम आता है जो मैंने आपसे पूछा कि भैया मेरे को ये वाला घर ले जाना है, तो ये क्या काम आता है? अच्छा ये पेड़ है, शुभ है ये? अच्छा ठीक है, ये भी ले जाएंगे फिर हम घर, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को एलोवेरा भी मिला, एलोवेरा तो हर जगह काम आता है, बहुत यूजफुल होता है एलोवेरा। यहाँ पे ये वाला प्लांट हो क्या काम आता है? पूछ भैया ये क्या है? लेकी बंबू है। क्या है? लेकी बंबू। अच्छा घर के अंदर शुभ रहता है। अच्छा शुभ के लिए होता है यूज, मतलब ये वाला प्लांट भी ना, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे बहुत सारे कैक्टस मिले, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कितने ज़्यादा कैक्टस है, और सारे जो कैक्टस है वो अलग अलग शेप के हैं, आप वीडियो में देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत अलग अलग कैक्टस थे तो मैंने सोचा मैं आप सभी को इस वीडियो में कैक्टस भी दिखा देती हूँ, क्योंकि कैक्टस भी बहुत टाइप के होते हैं। और ये वाली देख सकते हैं ग्रीन कलर का भी यहाँ पे कैक्टस है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरे को पान का पेड़ मिला, तो पान भी बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा मैं आप सभी को दिखा देती हूँ कि पान का पेड़ कैसे दिखता है। इसकी लीव्स होती है जैसे हम लोग नॉर्मल पान खाते हैं उसी का ही पत्ता है वो, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैं जब मैं यहाँ आ रखी हूँ। मैंने यहाँ बहुत नई नई चीज़ें देखी, इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊँगी। देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा डेकोरेट हो रखा था यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए वीडियो में। ये है लक्ष्मी कमल, मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लग रखे हैं, आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं, सारे लक्ष्मी कमल वाले फ्लावर हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये रहे वो फ्लावर, मैं आपको एकदम पास से दिखाती हूँ। ये एकदम रोज़ की तरह है ये, बट ये लक्ष्मी जी का है। यहाँ पर बहुत बड़ी नर्सरी है ये, तो आज मैं यहाँ आई थी, मैंने सोचा मैं आप सभी को भी दिखाती हूँ यहाँ की नर्सरी। बहुत बड़ी नर्सरी है और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर फ्लावर लग सकते हैं, लग रखे हैं यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग। जो ये प्लांट है त्रिशूला, मैं आप सभी को बताती हूँ ये क्या काम आता है, ये बहुत शुभ होता है घर के लिए, आप इसको घर के आगे लगा सकते हैं। ये रहा वो प्लांट, बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है घर के लिए। हम लोग भी इसको ले जा रखा है, अपने घर में लगा रखा है हमने अपने, आप लोग भी आइए और यहाँ से ले जा सकते हैं आप लोग भी, या कहीं से भी आप ले लीजिए नर्सरी से। देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के यहाँ पे गमले थे और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर डेकोरेट कर रखे थे इस नर्सरी में। देख सकते हैं आपने बहुत टाइप के गुड़हल देखे होंगे, रेड कलर का, वाइट कलर का, ये एकदम अच्छा एकदम यूनिक कलर का मिला है मेरे को, मैंने सोचा मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका, एकदम ऑरेंज है, इसमें अंदर से देख सकते हैं आप लोग पिंक कलर का शेड है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। यहाँ पे फ्लावर का बहुत अच्छा कलेक्शन लगा मुझे, और जो यहाँ पे जो अभी प्लांट देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये बहुत अच्छा डेकोरेट होता है और ये पूरे 12 महीने रहता है, ये बहुत प्यारा लगा मुझे। चलो यहाँ पे भैया मिलते, भैया से पूछे भैया रेड रोज़ का क्या नाम है? गाबरा, गाबरा। अच्छा बहुत अलग फ्लावर लगा मेरे को ये और रोजों से, छींटे पड़ जाती है काफी। हाँ इसका प्रिंट एकदम अलग सा है, काफी चेक करते हैं। हाँ
और यहाँ पे रेड रोज है बहुत सारे, और यहाँ पे जो मैंने भैया ने बताया वही है ये। आप लोगों ने देखे होंगे कि कोटद्वार की यहाँ की नर्सरी कितनी ज़्यादा अच्छी है, यहाँ आपको हर तरह के फ्लावर्स मिल सकते हैं, हर तरह के आपको यहाँ पे गमले मिल सकते हैं, हर साइज़ के थे यहाँ पे, और बहुत यूनिक यूनिक थे, आप लोगों ने देखी थी होंगी वीडियो में। मेरे को तो यहाँ की कलेक्शन और यहाँ के प्लांट्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अब यहाँ पर मैंने ले चुके हैं फ्लावर्स, अब हमारे यहाँ पर फ्लावर शॉपिंग हो चुकी है कम्प्लीट, अब हम लोग जा रहे हैं घर। फ्रेंड्स पूरे ले चुके हैं प्लांट्स, अब मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि हमने कौन कौन से ले रखे हैं। जब हम लोग घर में जाएंगे, जब हम लगाएंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्लांट्स लिए थे। चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा, आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।